वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के हमारे आखिरी मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा पाल रॉयल वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल के बीच, जो साउथ अफ्रीका T20 का तीसरा मैच होगा। और ये जो दोनों टीमें इस मैच में खेलने वाली है, इन दोनों टीमों का ये पहला मैच होगा। तो वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो दोनों टीमें खेलेंगी, इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, प्लेइंग 11 क्या होगी, उसके अलावा जो मेन बॉलर है जो चार चार ओवर करेंगे वो कौन से होंगे, डेथ में कौन से आएंगे, यानी कि ओवरऑल जो भी मैच की मेन चीजें है ना, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ध्यान से देखना वीडियो को। बाकी जो भी मैच खेला गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उम्मीद करता हूँ सब ने जम के विन किया होगा। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने 15 लाख से भी ज्यादा विनिंग की है, क्योंकि मेरी टीम कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड था। मतलब एक सिंगल कॉन्टेस्ट नहीं आ रहा हूं मैं, एक सिंगल कॉन्टेस्ट किसे बोलते हैं, पूरी ड्रीम टीम थी। केवल एक प्लेयर था डिवॉन कॉनवे जो ड्रीम टीम में नहीं आया, बाकी सारे प्लेयर ड्रीम टीम में आए, और कॉनवे लोगों का कैप्टन था, मैं ड्रॉप वैसे भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने जम के विन किया होगा और कोशिश करेंगे इस वाले मैच में भी बेहतरीन प्रॉफिट हम लोग अर्न करें। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो वीडियो को देखना, क्योंकि दोनों टीमों का पहला मैच है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी ऐसा बंदा है जिसने इस वीडियो पे पहला लाइक और पहला कमेंट किया, वो बंदा फ्री के अंदर एक प्रोडक्ट का गिव अवे विन कर चुका है। आपको मालूम होगा मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बोला था कि साउथ अफ्रीका T20 लीग की जो भी वीडियोस आएंगी उनमें मैं प्रोडक्ट गिव अवे रखने वाला हूं। तो जब भी वीडियो आए ना मैं यूट्यूब पे डालू तो तैयार रहा करो, क्योंकि फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कॉमेंट वाले को प्राइज मिलना कन्फर्म है। जो पहला वीडियो था वो गिव अवे कैंसिल है, उसका रीजन मैच अबॉन्डेड। मैं कल भी वीडियो बनाता लेकिन कल गूगल शो कर रहा था 100% चांसेस ऑफ रेन, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। रेन आई भी थी लेकिन सेकेंड इनिंग में, जो मैच लगभग फिनिश हो चुका था, ठीक है। आज मैच में बारिश के चांस कम है। अब देखिए पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो ना तो तीन प्रोडक्ट के गिव अवे, जिसमें एक बंदा पहले ही विन कर चुका है जिसने पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया। अभी भी दो प्रोडक्ट के गिव अवे बचे हैं जो आप आसानी से विन कर सकते हो। कैसे विन करोगे वो मैं आगे बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना गिव अवे केवल उन लोगों के लिए है जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपने नहीं किया और आप वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बचे दो प्रोडक्ट के गिव अवे कैसे आप विन करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं, गिव अवे का अमाउंट तभी दिया जाएगा, ये जो प्राइजेस है ना, गिव अवे का प्राइस तभी दिया जाएगा जब इस वीडियो पे 4000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। अगर 4000 लाइक्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो प्राइज किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट लाइक वाला हो, चाहे रैंडम कमेंट हो, चाहे वो मोस्ट लाइक हो, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेन चीज वो है टेलीग्राम। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी ऐसे यूजर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल स्मॉल लीग की टीम यही आएगी, जैसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान की आई, बिग बैश लीग के मैच की आई, वो आप सबको मालूम होगा जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। सो गाइस देखिए आप कहां पे खेल रहे हो ये आपको पता होगा, बट बेटर ये होगा अगर आप लीग लेवल में खेलते हो ये वाला मैच स्पेशली, क्योंकि दोनों टीमों का पहला मैच है और 7-4 में ये मैच ज्यादा अच्छा होगा। आप खुद भी बनाओगे ना टीम, तीन बैट्समैन तो आप कंफर्म लोगे, ऐसे ऐसे प्लेयर खेलने वाले, तो बेटर ये है कि आप लोग इस वाले मैच में इन्वेस्टमेंट करना लीग लेवल पे, जहां पे मैं करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है लीग लेवल का, डाउनलोड कर लेना। परसों के दिन मैं आप सबके लिए मोबाइल का गिव अवे भी लाने वाला हूं, तो डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है स्मॉल लीग यूजर्स के लिए। बात करते हैं वेन्यू की, तो वेन्यू ये जो होगा बोलान पार्क के अंदर ये मैच खेला जाएगा और पाल के अंदर, और ये मैच किसके बीच है, पाल रॉयल और प्रिटोरिया कैपिटल्स। वेन्यू क्या है, पाल, तो यानी कि ये जो पीआर की टीम है ना उसका होम ग्राउंड है, ये चीज ध्यान रख के चलना। बैलेंस विकेट है एक्सपेक्टेड 177-180, वैसे देखिए यहाँ पे ज्यादा अच्छा स्कोर होता नहीं है, लेकिन मेनली क्या है ना, प्लेयर अच्छे खासे खेल रहे हैं, जैसे जोस बटलर, सोल्ट, जैक्स, ऐसे लाजवाब प्लेयर खेल रहे, तो एक्सपेक्टेड इतना स्कोर होना ही चाहिए। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो गाइस देखिए ये मैचेस है 2022-23 के जो T20 साउथ अफ्रीका T20 लीग के मैचेस है ना, वो चार मैचेस है। आप यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा स्कोर होता नहीं है, है ना, तो आप उम्मीद लगा सकते हो 150-170 के बीच स्कोर। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ना पिछले वाले मैच के अंदर, जो पिछला मैच था साउथ अफ्रीका T20 लीग का, उसमें बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती और उस मैच के अंदर 10 विकेट गए जिसमें 6 लिए स्पिनर्स ने और 4 विकेट लिए पेसर्स ने। स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होंगे ध्यान रखना, और दोनों कंडीशन में, चाहे वो पहली इनिंग हो चाहे वो सेकेंड इनिंग हो, सेकेंड इनिंग में तो कंफर्म लेना,
पहली इनिंग में भी इंपॉर्टेंट होंगे, पेसर्स भी आपके लिए दोनों साइड इंपॉर्टेंट होंगे, बट पेसर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट इनिंग के अंदर रहने वाले हैं। बारिश के कोई चांस नहीं है, मोस्ट लाइकली पूरा मैच आपको देखने को मिलेगा। और बाकी देखिए यहाँ पे प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करता हूँ पाल रॉयल्स की, सो गाइस देखिए यहाँ से एक्सपेक्टेड जेसन रॉय, जॉस बटलर जो है ओपन करेंगे, वर्णा बनाएंगे विहान लुबे, फिर डैन विलास, डेविड मिलर, एंडिले पहले को आयो, इवान जोनस, बी फॉर्चून, नगेडियो मकोय और वहीं पे शमसी, ये टीम की प्रोबेबल 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। चार इनके तो बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई लोकल प्लेयर भी खेलेंगे चार, है ना, और तो वो प्लेयर इनके पास पहले ही अवेलेबल है। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लाइनअप है इनके मेन बोलर्स की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर्च्यून, नगेड़ी, मकोय और शमसी, ये चार तो लगभग फिक्स है कि चार चार ओवर करेंगे। पांचवें नंबर पे एंडिले पहलू को आयो और इवान जोनस, ये मिलके ओवर करने वाले, अगर पहलू को आयो के ओवर्स में मान लो ज्यादा रन पड़ जाते तो इवान जोनस ओवर कर लेगा। बात करते हैं पावर प्ले और डेथ की, नगेड़ी, जोनस और पहलू को आयो पावर प्ले में आएंगे, डेथ ओवर्स में मकोई कंफर्म आएगा, नगेड़ी और एंडी पहलू को आयो में से किसी एक के साथ, और ये बेंच के प्लेयर है जिसमें ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो है ना बैटिंग तो पहले इनकी मजबूत है तो जोनस की जगह पे ये जोहन टर्नर के साथ चले जाए, ये पॉसिबिलिटी बनती है। होने को फेबियन एलन भी है लेकिन ऑलरेडी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दो पहले से अवेलेबल है, फिर ऑफ स्पिनर इनके पास वियान लुबे भी है, है ना, ये भी चेंज हो सकता है लेकिन चांस थोड़े कम है। अब यहां से हम देखते हैं प्लेयरों का रिकॉर्ड। अब सबसे पहले ये ध्यान देना जो ऊपर एक मिस्टेक हुई है वो ये कि ये जो जेएसके है ना इसको आप लोग ध्यान देना पीसीआर, क्योंकि ये जितने भी प्लेयरों के स्टेट्स है, ठीक है, पीआरसी जो भी है, ठीक है, जो यानी कि प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम, वो वाली टीम का ये स्टेट्स है, अगेंस्ट पीसीआर या पीआरसी जो प्रिटोरिया कैपिटल्स, और वेन्यू पे सेम और अगेंस्ट का ये रिकॉर्ड सारे प्लेयरों का मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले जेसन रॉय की बात आती है, ठीक ठाक प्लेयर है, T20 का तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ये, वेन्यू पे अगर आप देखोगे तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, और अगेंस्ट पीसीआर भी ये टोटली फ्लॉप रहे हैं। उसके बाद जॉस बटलर की बात आती है, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है, अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैचेस भी हुए थे उसमें भी शानदार इनका परफॉर्मेंस है, और T20 का एक बेहतरीन प्लेयर है जॉस बटलर, दोनों जगह पे रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, ओवरऑल कैप्टन मटेरियल पे। वियान लुबे की बात आती है कि वो जो मिनी जेल वगैरह खेलते हैं वो जरूर ट्राई करके चलना, जरूर, मतलब ऐसा प्लेयर है जिनको वीसी भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए इनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है अगेंस्ट भी, और इस वेन्यू पे भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। डैन विलास को मिनी जेल वगैरह में ट्राई करके चलना। बाकी देखिए स्मॉल लीग लाइक तीन प्लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेविड मिलर है जो 28-11-31 तीन मैच में परफॉर्मेंस है, और वेन्यू पे ठीक ठाक से इनका परफॉर्मेंस, और मिलर पहली इनिंग जब बैटिंग करती है टीम तब तो कंफर्म लेना। एंडी लोपेलू को आयो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, बंदे का रिकॉर्ड अगेंस्ट में 4 विकेट है 2 मैच में, और उसके अलावा वेन्यू पे ठीक ठाक है, और ये इंपॉर्टेंट भी होगा जब टीम बॉलिंग करेगी पहले, क्योंकि डेथ में आ सकता है। उसके बाद जोनस की बात आती है, ये अगर खेलता है तो मिनी जेल में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में मैं बोलूंगा नहीं, बाकी इनका रिकॉर्ड आप देखोगे तो काफी अच्छा है बंदे का रिकॉर्ड। बी फॉर्चून के 2 विकेट है 3 मैच के में, और वहीं पे वेन्यू पे, क्योंकि स्पिनर्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छी हेल्प होती है, तो देखिए स्पिनर्स को ये कितनी तगड़ी हेल्प होती है यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो फॉर्चून एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस वेन्यू पे स्पेशली, क्योंकि बंदे का होम ग्राउंड है ये। और उसके बाद नगेड़ी, दो रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट लिया हुआ है पिछले 5 मैच में, और उसके अलावा वेन्यू की बात आती है तो सिर्फ 1 मैच को छोड़ के सब में विकेट है, और बाकी अगेंस्ट में 2 विकेट है। नगेड़ी, फॉर्चून ये तो वैसे भी कंफर्म पिक करने वाले प्लेयर है, एंडिलो को लेना जब पहले बॉलिंग आई, और मिलर को लेना जब पहले बैटिंग आए, ठीक है। ओबेड मकोई, शमसी दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिनर्स के लिए वेन्यू ठीक ठाक है, अच्छा ही है, और उसके अलावा ओबेड मकोई दोनों जगह पे पहला मैच खेलेगा अगेंस्ट भी और वेन्यू पे भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से बेंच के प्लेयरों की, तो ये बेंच के प्लेयर है जिसमें कोडी यूसुफ ने और वहीं पे मिचेल वन बुरेन ने मैच खेले, बाकी तीनों का पहला मैच होगा, और एफ एडम्स ने भी मैच खेले और बाकी दो का पहला मैच होगा, एडम्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है। सेकंड टीम जो रहेगी प्रिटोरिया कैपिटल्स ब्लू, तो यहां से मोस्ट लाइकली विल जेक्स और फिलिप्स होल्ट ओपन करेंगे, दोनों बेहतरीन प्लेयर है। उसके अलावा विली रोसो, वन डाउन, टीनेस डी ब्रन, कॉलिन इंग्राम, जिमी निशम, वेन पार्नेल एंड मिगल प्रिटोरियस, ईस्टन बोस, आदिल राशिद और डी डुपाविलन, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहां से अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना तो 1, 2, 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वहां पे केवल एकमात्र ऑफ स्पिनर है वियान लुबे, तो लुबे आपके लिए एक ट्रंप कार्ड प्लेयर होगा, क्योंकि एक तो वो बंदा वन डाउन आएगा प्लस में 3-3 लेफ्टी है, तो मतलब बॉलिंग के चांस भी वो ज्यादा रखता है, तो ये नोट कर लेना विहान लुबे ट्रंप कार्ड है इस मैच में, रीजन आपको समझ में आ गया होगा।
तीन लेफ्टी टॉप फाइव के अंदर है और साथ में क्या है वो ऑफ स्पिनर प्लस में वन डाउन बैटिंग, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से मेन बॉलर्स की, तो वेन पार्नेल, नीशम एंड मिगल प्रिटोरियस, बोस, आदिल रशीद, डुपामिलन एंड विल जेक्स, ये सात ओवर्स मतलब सात प्लेयर्स इनके पास बॉलिंग वाले। अगर मैं बात करता हूं चार चार ओवर कौन करेगा, उसमें मिगल, वेन पार्नेल और आदिल रशीद के लगभग फिक्स है चार चार ओवर। बचे आठ ओवर्स में जिमी नीशम, वहीं पे डुपाविलन, ईस्टन बोच और विल जेक्स है। विल जेक्स के चांस थोड़े कम है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास अच्छे खासे बॉलर अवेलेबल है और इनके बेंच में प्लेयर बहुत ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है इनमें से कोई प्लेयर ना खेल के यहाँ पे भी कोई प्लेयर खेल ले। केल ग्रीन के चांस थोड़े ज्यादा है, नोरखिया तो अनअवेलेबल है, केल ग्रीन में भी खेल ले पर चांस मुझे थोड़े कम लगे इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, और अगर वो खेलेगा तो थीनेश डी ब्रन की जगह पे। बेंच और पावर प्ले में वेन पार्नेल, मिगल प्रिटोरियस और डायरन डुपाविलन, डेथ में बोस, पार्नेल और डायरन, ये डेथ हॉर्स में बॉलिंग करने वाले हैं, ठीक है। वेन पार्नेल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन मटेरियल प्लेयर है अगर पहली बॉलिंग आती है तो। अब यहां से प्लेयरों का स्टेट्स देखते हैं। सो गाइस देखिए विल जेक्स की अगर मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग में तो मतलब पिक करना ही करना है, कैप्टन आएगा लोगों का, ठीक है। वेन्यू पे ये भी देखिए ध्यान रखना है, जो पहला मैच हुआ था ना मैंने वो बस चेंज ही नहीं किया, इनका ये पीआर के अगेंस्ट रिकॉर्ड है सबका, ठीक है। वर्सेस में दो विकेट लिया है और इसी वेन्यू पे लिया है, स्पिनर्स के लिए वेन्यू अच्छा है ना, ये प्रूफ आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा। फिलिप सोल्ट की बात आती है, रिसेंट फॉर्म बंदे की बहुत सॉलिड है और बहुत तगड़ा भी है, T20 का एक बेहतरीन प्लेयर, वेन्यू पे तो नहीं खेला है लेकिन अगेंस्ट मैचेस खेला है, 39 और 22 रन का स्कोर है। रोसो का वेन्यू पे दो मैच है, एक में 19 एक में 0, अगेंस्ट में फ्लॉप मतलब पहला मैच होगा। ब्रायन की बात आती है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वेन्यू पे बंदा बहुत अच्छा किया है, देखिए मिनी जेल में तो कंफर्म ट्राई करना है इनको, स्मॉल लीग में भी ले सकते हो लेकिन फिर या तो आप रोसो ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर मतलब सोल्ट वगैरह को, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि सोल्ट को ड्रॉप करके इनको लो, मिनी जेल में तो आप आराम से ले सकते हो। कॉलिन इंग्राम की बात आती है, तो देखिए बैटिंग में 41 अगेंस्ट खेला हुआ है, बॉलिंग भी की है और 10 रन और वेन्यू पे मतलब पहला मैच होगा। नीशम की बात आती है, नीशम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और कभी भी गेम बिगाड़ सकता है अगर ड्रॉप करते हो तो, ठीक है। नीशम को देखिए लेकिन सब लेके आएंगे तो बात करने की नीड है नहीं, मैं खुद लूंगा, ठीक है। उसके बाद वेन पार्नेल, ये आएगा थोड़ा कैप्टनसी का गेम, टीम की पहली बॉलिंग पे आराम से कैप्टन बना सकते हो, बैटिंग पे तो फिर भी चलो दिक्कत है और बॉलिंग पे इसलिए क्योंकि ये दो ओवर कंफर्म करेगा, एक तो 18वां ओवर और एक नहीं 17 और 19वां, जो मतलब लास्ट के दो ओवर होंगे, लास्ट के तीन में से दो ओवर यही करेगा, तो उस केस में क्या विकेट्स के चांस ज्यादा होते हैं। मिगल प्रिटोरियस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दो मैच खेला, तीन विकेट लिया हुआ है, वेन्यू पे पहला मैच होगा। वहीं पे ईस्टन बोच की बात आती है, देखिए रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है और वेन्यू की बात आती है तो वेन्यू पे भी बंदे ने दो मैच में दो विकेट लिया और अगेंस्ट भी चार विकेट है, और बाकी के प्लेयरों में आदिल राशिद तो है ही इंपॉर्टेंट, स्पिनर्स के लिए है इंपॉर्टेंट प्लेयर वेन्यू, और डुपाविलन को लेना जब टीम पहले बॉलिंग करती है। ये कुछ मेन डेटा है प्लेयरों का जो लाइनअप के अंदर है, अगर बेंच के प्लेयर कोई खेलता है तो उनका स्टेट्स आपके स्क्रीन के सामने, नोरखिया मोस्ट लाइकली खेलेगा नहीं, केल ग्रीन में भी खेल ले थोड़े चांस कम है लेकिन खेल सकता है, और उसके अलावा आप देखोगे सीनियरन है और हार्डेस है जिन्होंने मैचेस खेले हुए अगेंस्ट, और वेन्यू पे भी टीम प्लेयर है जिसमें एक कॉर्बिन बॉश और दो योग है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं गिव अवे की, देखिए गिव अवे की सबसे पहली कंडीशन, जिसने पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया वो तो बंदा विनर बन चुका है, ठीक है, लेकिन प्राइज तभी मिलेगा जब 4000 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट होंगे, अगर नहीं होते तो प्राइज नहीं मिलेगा, चाहे आप कमेंट में कितनी भी कुछ भी कर लो 4000 लाइक्स होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, बचे दो गिव अवे किनको मिलेंगे, सबसे पहले तो इस वीडियो पे जिस बंदे की कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे ना वो बंदा इन तीनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट विन करेगा और 100% करेगा। उसके अलावा एक बंदा रेंडमली मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है आप कमेंट करते हो आपके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आए ही, ठीक है, तो मैं रेंडमली सिलेक्ट करूंगा, कमेंट एक ही करना, ऐसा नहीं कहीं 100-200 कमेंट कर दो, कमेंट एक ही करना, और अगर वो कमेंट रेंडम में आपका सिलेक्ट हो जाता है तो आप भी विनर हो, ठीक है। तो तीन विनर कौन हो गए, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक और उसके अलावा एक रेंडम बंदा, तो ये तीन गिव अवे हैं इस वीडियो में। गिव अवे केवल और केवल चैनल के सब्सक्राइबरों के लिए, उसके अलावा देखिए अगर पॉसिबल हो सके तो चैनल का लोगो जरूर लगा लेना, क्योंकि मैं विनर उन्हीं को सिलेक्ट करता हूं जो लोगो लगा रखे होते हैं, तो ये जरूर अगर आप करते हो ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं टीम की, तो फाइनल स्मॉल लीग की टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी बंदे ऐसे हैं जो अभी भी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, ज्वाइन करना है क्योंकि फाइनल टीम वहीं पे आएगी। चलिए टीम की अगर मैं बात करता हूं ना, सो गाइस देखिए मेरा जो खुद का इन्वेस्टमेंट होगा मैं वहीं पे फोकस करूंगा और वहीं की टीम आपको दूंगा,
तो ट्राई करना 7-4 जहां भी हो, चाहे किसी भी एप पे खेलो, 7-4 में ही खेलना, बहुत अच्छा होगा। देखिए बटलर और सोल्ट दोनों कैप्टन मेटेरियल प्लेयर है, ड्रॉप करने का सवाल उठता नहीं, पिक करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है जैसन रॉय, रिली रोसो। अब मिलर को लेना जब टीम पहले बैटिंग करे, अगर बॉलिंग करती है टीम उस केस में आप लोग ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोलिन इंग्राम को, बट मैं यहाँ से टीनेस दी ब्रन को ले रहा हूँ। मिलर को मैं लूंगा और कंफर्म लूंगा पहली बैटिंग में। उसके बाद आ जाइए आप ऑलराउंडर सेक्शन में, नीशम लुब्बे को लेना ही लेना। लुब्बे को क्यों लेना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारी चीजें बताई है। अगर अभी भी आप ड्रॉप करते हो तो फिर भाई मेरी गलती नहीं, आपने वीडियो में शायद कुछ ना कुछ स्किप या मिस किया होगा। आदिल राशिद, मिगल प्रिटोरियस डेथ में आएगा, पहली बॉलिंग आती है तो टीम में कंफर्म लेना। उसके अलावा यहाँ पे वेन पार्ने और बी फॉर्च्यून, फिलहाल के लिए मेरी डेमो टीम है यहाँ पे। बस मैं अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेलते हो ना, एक सजेशन जरूर दूंगा, इनको ड्रॉप करके ब्रियान को या जेसन रॉय को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को भी कर सकते हो, ये भी दिक्कत नहीं है। और बॉलिंग में तबरेज शमसी और उसके अलावा नगीडी को ले लेना, ड्रीम इलेवन वाले, यानी कि रॉय और थीनेस भी ब्रन को ड्रॉप करना, नगीडी और शमसी को ले लेना। फिलहाल के लिए मेरी डेमो टीम है। अगर मैं बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो बटलर कैप्टन है और वाइस कैप्टन फिलिप सोल्ट है। अदर ऑप्शंस बता देता हूँ, वेन पार्नेल, जिमी नीशम एंड उसके अलावा विल जैक्स, ये तीन ऑप्शन है जिनको अगर आप चाहो तो बना सकते हो। ट्राई करना, 7-4 में इन्वेस्टमेंट हो, मैं खुद यहीं पे इन्वेस्ट करूंगा और बाकी जो भी चेंजेस होंगे मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा।